नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस राम जेठमलानी लड़ेंगे। जाने माने वकील राम जेठमलानी वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर दीवानी और फौजदारी मानहानि के मुकदमे की पैरवी करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जेटली ने 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर करके खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली है, वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि DDCA मामले में पूरी पार्टी अरुण जेटली के साथ खड़ी है। एयर इंडिया ने अमेरिका जा रही फ्लाइट में 19 छात्रों को चढ़ने से रोका। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 छात्र उस वक्त सकते में आ गए जब उन्हें एयर इंडिया ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी के आदेश पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रही अपनी एक उड़ान पर इस आधार पर चढ़ने नहीं दिया कि जिन दो विश्वविद्यालयों से उनका ताल्लुक है वे अमेरिकी अधिकारियों की छानबीन के घेरे में है। एयरलाइन इन छात्रों को टिकट के पूरे पैसे लौटा रही है। एयर इंडिया ने कहा कि अब तक ऐसे 14 छात्रों को भारत वापस भेजा गया है जो एयर इंडिया की उड़ान से सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। एयर इंडिया के विमान से जेट एयरवेज की बस टकराई, बड़ा हादसा टला। कोलकाता एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह जेट एयरवेज की बस अचानक अपना संतुलन खो बैठी और एयर इंडिया के प्लेन के इंजन से जा टकराई। ये घटना तब घटी जब एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट कोलकाता से असम के सिलचर के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में यात्री भी सवार थे। जेट एयरवेज की बस के विमान से टकराने के कारण इंजन को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में विमान के यात्री सुरक्षित हैं। इस अप्रत्याशित घटना के बाद बस के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है।